Welcome, my dear students. This is revision lecture number 1 of chapter 3, motion in a straight line. और चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन की साथ साथ बात करेंगे. मतलब पहले चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे ताकि आपको पिछला याद आए सारा. फिर जो असाइनमेंट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, भेजा हुआ है आपको, उस असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे लाइव लेक्चर्स के अंदर. तो चैप्टर नंबर 3, पहले भी हमने इसे पढ़ा. चैप्टर नंबर 3 मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. भाई एक ऑब्जेक्ट सीधी सीधी चलेगी, जैसे अगर आप कहीं पहाड़ी रास्ते पे जाएं या नॉर्मली प्लेन्स में भी किसी घोड़े को देखा जाए या किसी भी ऐसे जानवर को जिससे हम काम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी आंखों के साइड में ना इस तरह से लगा दिया जाता है कि इधर ना देख पाए, इधर ना देख पाए, सीधा सीधा चले. बिल्कुल ऐसे ही हमने इस तरह से आंखें बंद कर दी हैं, साइड से व्यू खत्म कर दिया है, सीधा सीधा चलना है भाई. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. और भाई बिल्कुल बेसिक्स बताने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि ये है रिवीजन. और इस रिवीजन में हम क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करते हैं कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि आपने कॉपी से पढ़ा, पुराना सिलेबस देखा, नोट्स देखे, तो आपको क्लियर रहेगा जो टॉपिक है इसके. तो सबसे पहली बात यही आती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है. एवरेज स्पीड की कब बात करते हैं, जब पूरी जर्नी पर बात कर रहे हैं एक तरह से. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पूरी जर्नी में, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो टोटल टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, इसी को ही क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे. इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया. तो बिना समय को खराब करे क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे. एवरेज स्पीड को कैसे सोल्व किया जाएगा, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व किए जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मान लीजिए आपके सामने आए कि पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए. मैं क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लिखूंगा आपको, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप वीडियो को रोक कर देख भी पाएंगे, लिख पाएंगे. जैसे कि मैंने कहा कि अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाना है उसे विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू ए, बी से ए पर वापस आ जाती है विद 60 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, ड्यूरिंग अ जर्नी अ बॉडी ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर. पूरी जर्नी में से आधा डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर किया जाए और आधा डिस्टेंस 60 की स्पीड से कवर किया जाए, यानी पूरी जर्नी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए. अगर तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना था एक ऑब्जेक्ट को, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने में जाते वक्त 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही और आते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही. तो आपको इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, पहली बात ये है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, वो तो गिवन ही नहीं है. मैं मान लेता हूं कि कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जाने में, तो उतना ही ट्रेवल करना पड़ता है आने में. जाने में टाइम लग जाता है T1 और वापस आने में टाइम लग जाता है T2. तो x जाने में और x आने में टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एक्स, और भाई जाने में टाइम T1 लगा, आते वक्त टाइम थोड़ा अलग लगा है, तो T1 प्लस क्या होता है, T2 होता है. स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्पीड चाहिए तो वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम से आएगी, डिस्टेंस चाहिए तो वो स्पीड इनटू में टाइम से आएगा, टाइम चाहिए तो वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से आएगा. अब हमें नहीं पता जाने में टाइम उससे कितना लगा है, डिस्टेंसेस तो मान लिया हमने कि x प्लस एक्स 2x हो गया, लेकिन जाने में जो टाइम था वो 40, और जाने में टाइम कितना था,
भाई जाते वक्त x डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, तो ऐसे टाइम निकाल सकते हैं। आते वक्त भी x डिस्टेंस ट्रेवल किया मगर 60 की स्पीड से। और भाई मैथ्स में आप इतने कमजोर होंगे नहीं कि इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर 48 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। ये इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड रही। और अगर इस केस में एवरेज वेलोसिटी पूछे भी, एवरेज वेलोसिटी पूछे हमसे, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया इस ऑब्जेक्ट ने। तो जाकर वापिस ए पर आ जाने का मतलब है पोजीशन तो चेंज हुई ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसलिए जीरो है और इसलिए एवरेज वेलोसिटी इस केस की क्या है, जीरो ही आई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ए से जाकर वापिस ए पर आ गया है, नो चेंज इन पोजीशन, इसलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा गया होता कि आधा डिस्टेंस ए से किसी पॉइंट पर जाना था, बी पॉइंट पर जाना, मान लो आधा डिस्टेंस 40 की स्पीड से ट्रेवल किया गया है और बाकी आधा डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल किया गया है, तो एवरेज स्पीड पूछेगा तो भी हमारा यही आंसर आएगा, क्योंकि पूरी जर्नी को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिस्टेंस के दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो यही आंसर आएगा। और इसके लिए एक शॉर्टकट भी है जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर पूरी जर्नी को डिस्टेंस के, अगर पूरी जर्नी को डिस्टेंस के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दो बराबर पार्ट्स में, कि आधी जर्नी की एक स्पीड है फिर आधी जर्नी की अलग स्पीड है, तो दो स्पीड्स हो इस तरह से, तो दो स्पीड्स के लिए 2v1v2 और अपॉन में v1+v2 फॉर्मूला लगा दीजिए। पहली स्पीड 40 है, दूसरी स्पीड 60 है और नीचे दोनों का सम कर दीजिए 40+60। इसे भी सोल्व करने पर आंसर 48 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। तो ये शॉर्टकट भी लगाया जा सकता था इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो एवरेज स्पीड के इस क्वेश्चन के लिए हम एक और क्वेश्चन कर देखते हैं, जनरल तरीके से सोल्व करें क्वेश्चंस को। शॉर्टकट्स तब काम आएंगे जब आप कहीं कॉम्पिटिटिव में हैं या आगे चलकर ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स आएंगे जिसमें स्पीड पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तब ये शॉर्टकट्स आपके काम आएंगे और तब आप बता पाएंगे इन शॉर्टकट्स के बारे में, तब जानेंगे आप इस तरह से। अब बात आती है कि एक और क्वेश्चन हम मान लीजिए जानना चाहें कि एक क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया कि ऑन 60 किलोमीटर ट्रैक, भाई 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है ये, इस तरह से तो 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है ये और इस 60 किलोमीटर के ट्रैक पर एक ट्रेन चलती है, 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये, ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाना था एक ट्रेन को मान लीजिए, आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का आधा डिस्टेंस जो था वो ट्रेवल किया गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई मैं इस तरह से सिचुएशन बना देता हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको पेपर में थ्योरी लिखी मिलेगी तो थ्योरी आप पढ़े, मैं आपको असाइनमेंट्स भेज रहा हूं उसमें भी क्वेश्चंस इस तरह के रहेंगे। अब बाकी का 30 किलोमीटर की स्पीड कितनी हो, वी मान लिया भाई, कुछ भी होगी क्योंकि ये तो निकालनी है, ताकि इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी बन जाए 40 किलोमीटर पर आवर। इस बार एवरेज स्पीड गिवन है भाई, सवाल को ध्यान से समझिएगा। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना था तो 60 किलोमीटर दूर अगर हमें जाना है तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हमें ट्रेवल करना है उस 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए ये कहा गया है आपसे, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आधी जर्नी ट्रेवल करी है 30 की स्पीड से यानी 30 किलोमीटर, फिर बाकी आधी जर्नी की स्पीड कितनी होनी चाहिए थी ताकि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड जो बन जाए वो 40 किलोमीटर पर आवर बन जाए। तो इसे बताने के लिए भाई फिर हम एक बार फिर फॉर्मूले की बात करते हैं, और मैं तो कहता हूं कि भाई जनरल तरीके से सोल्व करें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, टोटल डिस्टेंस तो 60 ट्रेवल किया है, अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया भाई, पहले 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा फिर दूसरे 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, ये एवरेज स्पीड 40 होनी चाहिए गिवन है भाई, डिस्टेंस टोटल 60 ट्रेवल किया है, आधा 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड भाई, 30 अपॉन में 30 करते हैं कितना टाइम लगेगा, फिर बाकी का 30 ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में फिर स्पीड कर दिया अभी मैंने इस तरह से,
30 किलोमीटर के लिए 30 की स्पीड थी तो 30/30 एक घंटा लगेगा, यानी फिर बाकी के 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कुछ V स्पीड से, वो V स्पीड तो निकालनी है कि बाद में कितनी स्पीड होनी चाहिए थी। इसे सॉल्व करेंगे 40 बराबर 60 अपॉन में 1 प्लस 30 अपॉन में V, और भाई इसे सॉल्व कर आपका आंसर आता है, इसे सॉल्व कर आपका आंसर आता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है 60 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर दीजिए एक बार, कहीं गलती ना हो गई वैसे कोई, तो वो 60 ही आएगा वैसे तो शायद। तो 22 जा 40 और 23 जा 60, ये वाली टर्म 1 प्लस 30 बाई वी इधर चला जाएगा और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3 बाई 2 होगा। 1 इधर जाकर माइनस होगा 3 बाई 2, वैसे 1 माइनस करेंगे तो 1 बाई 2 बचेगा। हाँ भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर बिल्कुल 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। बचा हुआ आधा डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए था उसे, बचा हुआ आधा डिस्टेंस 60 की स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए था उसे, तब पूरी जर्नी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर बनेगी। तो हो भाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये क्वेश्चन बता पाएंगे इस तरह से। आगे दूसरे टाइप की बात करते हैं भाई, और दूसरा टॉपिक यहां पर क्या होगा भाई, हो सकता है स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो भाई। तो टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रही है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड होगी, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड में जो चेंज आ रहा है यानी मोशन एक्सेलरेशन है उसके अंदर, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, डायरेक्ट बात पर आऊंगा। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन निकालना है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं कि अगर हमें एक्स गिवन होता है तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट कहां पर है। एक ऑब्जेक्ट सीधी सीधी चलने वाली है यानी एक्स एक्सिस पर अगर चलती रहे तो एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है वैसे वैसे क्या बदल रही है, पोजीशन ही तो बदल रही है। एक ऑब्जेक्ट चलती चली जा रही है भाई तो उसका एक्स बदल रहा है यानी पोजीशन बदल रही है, तो एक्स की वैल्यू चेंज होने का मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। अब अगर पोजीशन चेंज हो रही है इसका मतलब बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो उसकी स्पीड होगी भाई। पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टाइम के साथ, यही चीज क्या कहलाती है वेलोसिटी। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी आएगी। फिर भाई वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, यही चीज क्या कहलाती है एक्सेलरेशन कहलाती है, यही चीज क्या कहलाती है एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप किस तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से गिवन है कि भाई पोजीशन है ना यानी एक्स जो है वो गिवन है 18t प्लस 5t का स्क्वायर भाई। तो इस तरह से एक्स रिप्रेजेंट कर दिया गया है यानी एक्स का ये एक फंक्शन है, टाइम का एक फंक्शन है एक्स। यहां पर टाइम की अलग अलग वैल्यूज पुट करने पर एक्स के अलग अलग आंसर आएंगे, मतलब एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मोशन तो है भाई, पोजीशन तो बदल रही है, इसका मतलब टाइम के साथ यानी मोशन है। इसीलिए आपसे स्पीड पूछी गई भी, मोशन है तो स्पीड होगी, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड पूछिए, हो सकता है ये स्पीड चेंज हो रही हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछिए आपसे एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। टाइम 2 सेकेंड पर आपको क्या बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है आपको, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है आपको, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है, और आपको ये भी बताना है कि किस तरह का एक्सेलरेशन होगा, और तीसरी बात आपको एवरेज स्पीड बतानी है या एवरेज वेलोसिटी बतानी है बिटवीन टाइम 2 सेकेंड एंड बिटवीन टाइम 3 सेकेंड में। टाइम 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, तो 2 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड कितनी थी, हो सकता है इसकी स्पीड या वेलोसिटी बिल्कुल लगातार बदल रही हो गई, एक्सेलरेशन में तो बदल रही होगी। तो ये सारी चीजें किस तरह से फाइंड आउट की जाती है इस केस के अंदर,
एक्स गिवन है हमें और इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी गई है। स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो भाई फर्स्ट पार्ट को कैसे किया जा सकता है, वेलोसिटी का मतलब होता है dx by dt। एक्स का डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है इस तरह से। और d by dt किया जाए 18t और प्लस 5t स्क्वायर का, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बराबर है d by dt किसका, 18t का करेंगे एक बार, और एक बार डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 5t स्क्वायर का करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बराबर है 18, कांस्टेंट है यहां पर, डिफरेंशिएशन आपको याद आ जाए, कांस्टेंट चीज बाहर आ जाती है, t बचेगा तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहां से 5 बाहर आएगा और 5 बाहर आने के बाद t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे पावर वाले रूल से, पावर आगे लिख दी 2, फिर t लिखा, फिर एक पावर माइनस कर दी, वेलोसिटी आती है 10t प्लस में 18। ये वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं इसे, मतलब ये वो एक वेलोसिटी का एक फार्मूला बन गया। इसमें टाइम की वैल्यू पुट करने पर वेलोसिटी के अलग-अलग आंसर आएंगे। जैसे मुझसे फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी कब पूछी है, 2 सेकंड पर पूछी है, तो at t is equal to बराबर है 2 सेकंड पर वेलोसिटी पूछी थी, तो वेलोसिटी 2 सेकंड पर होगी 10 to 20 plus 18, यहां पर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट करने पर 38 मीटर पर सेकंड क्या आएगी, वेलोसिटी आ गई है, टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी आ गई है कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी 38 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी जो थी वो 38 मीटर पर सेकंड रही होगी, जो वेलोसिटी थी 38 मीटर पर सेकंड रही, यहां पर वेलोसिटी 2 सेकंड पर। टाइम की वैल्यू इसमें 3 सेकंड पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आ जाएगा, तो अलग-अलग टाइम पर वेलोसिटी का आंसर बता सकती है ये इक्वेशन। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और 2 सेकंड पर वेलोसिटी 38 है, एग्जैक्ट 2 सेकंड पर वेलोसिटी का पता चल गया है हमें, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सेकंड केस में कहता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। भाई वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन आएगा, और भाई ये ऊपर आपको गिवन है वेलोसिटी, ये हमने फाइंड आउट करी है, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है जिसे, इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त 10t में से 10 बाहर आएगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 18 का 0 हो जाएगा, हेंस एक्सेलरेशन आया 10 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने यहां पर यूनिट्स लगाई, एक्सेलरेशन 10 आ गया। इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, यानी टाइम की वैल्यू कुछ भी हो एक्सेलरेशन 10 ही रहेगा। जैसे वेलोसिटी में टाइम है यानी टाइम की अलग-अलग वैल्यू पुट करने पर वेलोसिटी के अलग-अलग आंसर आएंगे, x में टाइम है यानी टाइम की अलग-अलग वैल्यू x के अलग-अलग आंसर देगी, x के अलग-अलग आंसर्स आएंगे टाइम के साथ यानी x बदल रहा है यानी मोशन है, वेलोसिटी अलग-अलग आंसर आएंगे टाइम के यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन में टाइम नहीं है यानी एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा टाइम के साथ, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट कह लीजिए इसे, या इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम भी दिया जा सकता था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इस तरह के मोशन का। तीसरी बार मुझे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बताइए टाइम 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। कभी-कभी बच्चे 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लेंगे, 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लेंगे और उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो मीन वेलोसिटी है, वो मीन वेलोसिटी हो सकता है, आंसर मैच कर जाए बट तरीका गलत है भाई, मीन वेलोसिटी नहीं, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालनी है, टाइम के बराबर इंटरवल जब होते हैं तब मीन वेलोसिटी निकालते हैं हम। मीन का मतलब तो क्या होता है, वेलोसिटीज को ऐड करें और नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड करें, वो मीन होता है। मुझे ये जो एवरेज फाइंड आउट करनी है इस बार दूसरे तरीके से फाइंड आउट करनी है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कि पोजीशन में क्या चेंज आया। तो जब टाइम की वैल्यू कितनी थी at t is equal to 2 सेकंड पर, x की वैल्यू कितनी आई, भी पोजीशन क्या थी, यहां 2 सेकंड पुट करने पर 18 2 जा हो जाएगा 36 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 56 मीटर वैल्यू थी किसकी, x की। फिर 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां 18 3 जा 54 है और प्लस यहां 3 3 जा 95 जा 45 है
और ये 99 मीटर क्या आ गया है, x आ गया है। यानी पहले 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट 56 पर थी, 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन 99 हो गई, यहां से वहां चला गया है। तो यहां से वहां चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, एवरेज वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा उसको, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 99 पर चला गया है, पहले 56 पर था, टाइम 3 सेकंड हो गया, पहले 2 सेकंड था, 43/1 बराबर है भाई 43 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एवरेज स्पीड है, इसी को क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप कर पाएंगे, हमने कुछ गिवन है असाइनमेंट्स में से करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस तरह से, जिसमें कुछ रिवर्स गिवन है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स गिवन है तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो उसके डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन आ जाता है, रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन पे। इसी तरह से एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पर वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बराबर है 3t² + 2t ये एक्सेलरेशन आपको गिवन है इस तरह से। और आपको ये कहा गया कि पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, भाई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी कब, एट टाइम की वैल्यू जब कितनी थी, 0 सेकंड थी भाई। फिर पूछता है जब टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, यानी 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई। तो मुझे 2 सेकंड पर क्या बतानी है, वेलोसिटी, बट मुझे तो एक्सेलरेशन गिवन है, मेरे पास पहली ऐसी इक्वेशन तो हो जिससे मैं वेलोसिटी निकाल सकूं, वेलोसिटी की इक्वेशन तो आए। और भाई एक्सेलरेशन अगर गिवन है तो वेलोसिटी कैसे आएगी, तो एक्सेलरेशन अगर गिवन है तो वेलोसिटी कैसे आएगी, एक्सेलरेशन तो लिखा जा सकता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया होगा तो एक्सेलरेशन आया होगा, और बराबर है 3t² + 2t + 2 के, यानी डीवी की वैल्यू चाहिए आपको, तो 3t² + 2t + 2 और मल्टीप्लाई में dt लिखा जा सकता है। dv की वैल्यू चाहिए आपको, मतलब v की वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए आपको, dv आ गया आपके पास, अब हमें इंटीग्रेशन कर देना चाहिए भी दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन करेंगे यहां dv का, इधर इंटीग्रेशन करेंगे 3t² dt का, भाई dt को मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट खोलने के बाद, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे 2t dt का, और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 2dt का भाई। तो इस तरह से इंटीग्रेशन अगर किया जाए यहां पर के ये 2dt आ जाएगा, यहां पर सबका इंटीग्रेशन अलग अलग साइन लगा दिया तो सबका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, लिमिट्स डाली जाए भाई, यहां d के अंदर टाइम दिख रहा है, टाइम पहले 0 है फिर 2 हो जाएगा, टाइम 0 है फिर 2 सेकंड हो जाएगा, टाइम 0 से 2 सेकंड की बात करनी है कि टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी थी हमें गिवन है 2 थी, और 2 सेकंड का टाइम हो जाएगा तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, मतलब अननोन है, निकालनी है हमें। इस तरह से लिमिट्स डाली जाए इंटीग्रेशन के अंदर, तो इस तरह से लिमिट्स डाली जाए इंटीग्रेशन के अंदर, और इस तरह की लिमिट्स इंटीग्रेशन के अंदर डालने के बाद यहां पर dv का इंटीग्रेशन v हो जाता है, जैसे dx का x हो जाता है, लिमिट्स इधर लिख दीजिए भाई, 3 तो कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा t² dt भाई, मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं भाई, जब x की पावर n dx गिवन हो तो हम उसकी पावर एक प्लस कर देते हैं, और प्लस होने के बाद डिवाइड में n+1 लिख देते हैं, तो t² की पावर क्या हो जाएगी, प्लस करने पर t³/3 हो जाएगी, लिमिट्स 0 से 2 रहेंगी, 2 बाहर रखने के बाद t dt में t²/2 होगा, और लिमिट्स 0 से 2 होगी, प्लस 2 बाहर आने के बाद dt का इंटीग्रेशन t होगा, और लिमिट्स 0 से 2 होगी। तो ये फॉर्मूला था याद दिलाने के लिए, मैंने आपको लिखा था इस तरह से, इसके अंदर भाई
एक बार v की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे v और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 भाई इस तरह से 3 बाहर आकर 3 से 3 कैंसिल होगा। एक बार t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे यानी t का 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, एक बार 0 आएगा तो 0 हो जाएगा यहां 2 से 2 कटने के बाद। एक बार t की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस, एक बार सब कुछ 0 हो जाएगा इस तरह से। और एक बार इस t की जगह अपर लिमिट 2 आएगी माइनस, एक बार 0 आएगी इस तरह से। 8 प्लस 4 प्लस 4 और इधर v माइनस 2 है तो ये 2 भी इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 8 8 16 और दो 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रही होगी जब टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर कर बताई जा सकती है इस तरह के इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चंस बस कुछ ही क्वेश्चंस मैं वो रख रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में, जिससे चैप्टर में आपको एवरेज स्पीड, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, न्यूटन की इक्वेशंस, रिलेटिव वेलोसिटी, ग्राफ, ये सारी चीज़ें रिवाइज होने लगें और फिर आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। और उस असाइनमेंट को जब मैं डिस्कस करूं लाइव क्लास में आपसे तो उस लाइव क्लास में आपके कमेंट्स आए खूब सारे आंसर बताने के लिए, ताकि लाइव क्लास में मजा आए। न्यूटन की इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं अभी कि भाई अगर बात की जाए क्या एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इनिशियल, कहीं से चलना स्टार्ट किया तो हो सकता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, थोड़ी देर बाद वो कहीं और दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाए, वहां पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी कुछ वी हो जाए और इस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ए रहा हो, इस मोशन के दौरान डिस्टेंस टी ट्रेवल किया हो और इस मोशन को पूरा करने में टाइम कितना लिया हो टी। तो इस तरह की इन सारी इक्वेशन, इन सारी जो टर्म्स को जोड़ता है न्यूटन अपनी चार इक्वेशंस के जरिए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके बाद है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो भाई ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन और एक चौथी इक्वेशन भाई हमने बना ली है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, भाई किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस एक सेकंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन। तो इस तरह की चार इक्वेशंस हमारे पास है, क्वेश्चन में सिचुएशन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है। भाई बढ़िया क्वेश्चन करेंगे न्यूटन की इक्वेशंस पर बेस्ड, शुरुआत एक आसान क्वेश्चन से करेंगे और ये आसान क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक जेट प्लेन ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और रनवे पे दौड़ने लगा, टेक ऑफ करने का जब तक समय आया, टेक ऑफ करने से पहले कितने टाइम तक दौड़ा है रनवे पर 35 सेकंड तक, स्पीड अपनी बढ़ाता गया है कितने एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 0। तो 35 सेकंड तक रनवे पे दौड़ लगाई उसने, स्पीड बढ़ाता गया अपनी और जब टेक ऑफ किया तो यहां कितनी स्पीड रही होगी इसकी और कितना रनवे का डिस्टेंस होना चाहिए, रनवे की लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए। भाई जितना टेक ऑफ करने से पहले ये दौड़ रहा है उससे छोटा रनवे तो नहीं होना चाहिए, फिर तो ये एक्सीडेंट हो सकता था इसका इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट ये था कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन मुझे सही लगती है क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि टेक ऑफ करते वक्त वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, एक्सेलरेशन इसका 3 था, 35 सेकंड तक ये दौड़ा है और भाई 105 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आती है वेलोसिटी आती है। और सेकंड बात जो है वो ये आती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जा सकता है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन 3 था, 35 सेकंड तक ये दौड़ा है इस तरह से। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा भाई, 3 है अपॉन में 2 है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो इसे इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर को भी चेक कर लीजिएगा कभी मुझे जानो, बाकी यही होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो मीटर में आपका एक आंसर आएगा कि रनवे की लेंथ इतनी मिनिमम होनी चाहिए, नहीं तो पहले ही गिर जाएगा, पहले ही एक्सीडेंट हो जाएगा उसका इस तरह से।
तो इस क्वेश्चन से हमने जाना कि किस तरह से न्यूटन की इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। और पहले भी जो पहले असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं, मैंने न्यूटन की इक्वेशंस पर एक स्पेशल असाइनमेंट दिया भी था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन की इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें। फिर उसके बाद एक और असाइनमेंट दिया जिसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन डाले, जैसे अब बात करेंगे। तो रिविजन है, थोड़ा याद दिलाया मैंने फॉर्मूला आपको। अब सीधा एक क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेपर में पूछा जा सकता है और आप उसके उसी तरह के क्वेश्चन को देंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं ताकि आप लिख सके क्वेश्चन को, फिर मैं यहां पर सिचुएशन बनाऊंगा सीधा। कहता है कि अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मोटर कार रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट अपनी स्पीड बढ़ाती है फॉर 10 सेकेंड के लिए, फॉर 10 सेकेंड टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड तक अपनी स्पीड बढ़ाई है और 20 हो गई अब उसकी स्पीड, फुल स्टॉप। इट देन रन्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी। क्वेश्चन को देखिएगा, अभी मैं सिचुएशन यहां पर बनाता हूं आपके लिए कि मान लीजिए किसी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था मोटरसाइकिलिस्ट ने, तो इनिशियल रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। 10 सेकंड तक जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता गया है, तो इस 10 सेकंड के वक्त उसका कुछ एक्सेलरेशन था हमें नहीं पता भाई, और फाइनल थोड़ी देर 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई है। और कुछ डिस्टेंस इसने यहां पर ट्रेवल किया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और किसी बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर इसने स्पीड को इंक्रीज करना बंद कर दिया, एक्सेलरेशन अपना जीरो कर दिया, मोशन यूनिफॉर्म हो गया, थोड़ी दूर तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा। भाई बढ़ते बढ़ते स्पीड कितनी हो गई, 20, यानी यहां से अब पूरा मोशन 20 की स्पीड से ही कवर किया है इसने, और यहां टाइम उसने कुछ T2 लिया, यहां पर टाइम कुछ T1 था इस तरह से, यहां कुछ डिस्टेंस उसने S2 ट्रेवल किया होगा। सी पर जाने के बाद उसने फिर से ब्रेक्स लगा दिए भाई, और डी पॉइंट पर पहुंचकर फिर से उसकी स्पीड क्या हो गई है, जीरो हो गई है, और यहां तक पहुंचकर तो स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड ही थी क्योंकि कांस्टेंट चला था, यहां के बाद उसने घटाई है तो यहां उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्पीड घटाई है, क्या होगा जानेंगे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है कि उसने अपनी स्पीड घटाने में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और यहां पर उसने टाइम कितना लिया है ये हमें नहीं पता इस तरह से, और पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 640 मीटर ट्रेवल किया है, ये गिवन है भाई आपको कि इस पूरी जर्नी में 640 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये आपको गिवन है। तो अब इससे आगे आपको सोचना है भाई, आपको पूरी जर्नी, आपका एक्सेलरेशन निकालना है, यानी यहां इस मोशन की बात करेगा, पूरी इस जर्नी के लिए एक इक्वेशन नहीं लग सकती क्योंकि एक्सेलरेशन बदल रहा है और न्यूटन की इक्वेशन सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगती है। तो यहां पर एक्सेलरेशन है, यहां रिटार्डेशन है, और टोटल टाइम के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं भाई अपने इस बोर्ड को कि मैं यहां इक्वेशंस लगाऊंगा ए से बी तक के मोशन के लिए, ए से बी के लिए, या यहां पर बी से सी के लिए, और यहां पर सी से डी के लिए लगाऊंगा इक्वेशन भाई। मैं यहां पर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं भाई क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 20 पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, टाइम पता है, सही इक्वेशन लगी मुझे v is equal to u plus at, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन जानना है, टाइम 10 है, और एक्सेलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से यहां स्पीड बढ़ रही थी। और क्या जरूरत पड़ सकती है किसी चीज की देखेंगे, चलो रिटार्डेशन निकाल लेते हैं पहले। यहां पर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है भाई, इसकी जो फाइनल है यहां तक, यहां स्पीड बढ़ रही थी फिर स्पीड कांस्टेंट रही, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 20 है जो यहां की फाइनल थी, और इसकी फाइनल 0 हो गई है, यहां पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लग सकता था क्योंकि फाइनल 0 है ये पता है, इनिशियल 20 है ये पता है, एक्सेलरेशन जानना है और डिस्टेंस 40 है,
और यहां से एक्सेलरेशन सोल्व करके आया -5 meter per second square। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन आ गया, रिटार्डेशन आ गया, और क्या निकालना है, पूरी जर्नी का टाइम। यहां तो 10 सेकंड लगी है तो पहले ही पता है, यहां कितना टाइम लगा होगा भाई। एक्सेलरेशन अब पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, v is equal to u plus at लगाएं, फाइनल 0 है, इनिशियल 20 थी, एक्सेलरेशन माइनस का 5 है, तो यहां टाइम कितना लगा भाई, 4 सेकंड भाई। तो यहां पर टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड, ये पता चल गया। यहां का 10 सेकंड पहले ही पता है हमें, तो बच गया बीच का टाइम भाई। यहां कितना टाइम लगा, यहां की हमें स्पीड पता है, तो यहां का टाइम निकालना है, जिसका मतलब यहां का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो भाई यहां 40 ट्रेवल किया है, टोटल भी पता है, यहां कितना ट्रेवल किया ये जान लेते हैं भाई। यहां s is equal to ut plus में half at square लगाया जा सकता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 2 था, टाइम 10 सेकंड का, 2 से 2 कटेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई। यहां a से b तक 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये सॉल्व कर कर आ गया है। यहां 40 ट्रेवल किया तो बीच में कितना ट्रेवल किया होगा, टोटल 640 ट्रेवल किया, 100 उसमें से यहां ट्रेवल किया और 40 वहां पर किया, माइनस करने पर बचा 500 मीटर। तो यहां कांस्टेंट स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, 500 मीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया था यहां पर। तो इसलिए यहां पर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो सकता है। 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड कांस्टेंट रही 20, इसने सिंपल फॉर्मूला लगाया और 25 सेकंड टाइम आया। पूरी जर्नी का टाइम पूछा जाए तो 10 यहां से यहां तक, 25 फिर कांस्टेंट मोशन में, और 4 सेकंड लास्ट में, 39 सेकंड का टोटल मोशन था। तो 39 सेकंड का टोटल मोशन था यहां पर इस क्वेश्चन में। सारी इक्वेशंस का यूज भी हुआ इस क्वेश्चन में, अलग अलग पार्ट्स में इक्वेशन भी लगी है यहां पर। पूरी जर्नी को समझने के लिए कई बार हमें इक्वेशन लगानी पड़ी और इस तरह से इसका फिर हमें जवाब मिल पाया है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का गाइस। ठीक इसी तरह से और आगे जो है वो जानते हैं, चौथी इक्वेशन को यूज करने का तरीका समझते हैं कि फोर्थ इक्वेशन को किस तरह से यूज किया जा सकता है भाई। फोर्थ इक्वेशन को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इन इक्वेशंस को डराइव किस तरह से किया जा सकता है, ये क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको गिवन है और मैं उस असाइनमेंट को जब सोल्व कराऊंगा तो कैलकुलस मेथड से आपको ये इक्वेशंस डराइव कर कर भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड सेकंड भाई। हमें ये कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट ने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकंड सेकंड में भाई, यानी दूसरी सेकंड के अंदर बस भाई। 12 मीटर ट्रेवल किया सेकंड, यानी चलना स्टार्ट किया है टाइम जीरो पर, तो जीरो से वन सेकंड तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, फिर 1 से 2 सेकंड के बीच में, वो जो 1 सेकंड का टाइम है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, 12 मीटर। फिर हमें कहा गया है कि 20 मीटर ट्रेवल किया इसने, 20 मीटर ट्रेवल किया इसने फोर्थ सेकंड में भाई, चौथी सेकंड में, यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए ये आने वाली सेकंड्स में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती जा रही है। हमसे पूछा गया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमसे पूछ लिया जाए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड भाई, 10वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 10वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अपने मोशन की। तो भाई किसी भी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसकी इक्वेशन है sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये जान पाऊं पहले तो मैं बता पाऊंगा भाई। मुझे जो गिवन है ना चीजें उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं, दूसरी सेकंड का डिस्टेंस गिवन है तो मैं sn की इक्वेशन लगाऊंगा कि किसी भी इक्वेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, u इनिशियल वेलोसिटी, a by 2 और ब्रैकेट में 2n minus 1, तो sn 12 मीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस कौन सी सेकंड में भाई, दूसरी सेकंड में। तो भाई n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, यहां 2 2 जा 4 minus 1 3 बचेगा भाई, इस तरह से LCM ले दूं यहां पर तो 24 बराबर है 2u
और प्लस में 3a एक इक्वेशन बन जाएगी भाई, जिसे हम सोल्व कर लेंगे इस तरह से। तो एक इक्वेशन बन गई यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से। दूसरी बार कहता है 20 मीटर ट्रेवल किया, यू तो अभी भी नहीं पता, ए अभी भी नहीं पता, चौथी सेकंड में ट्रेवल किया, तो 2 × 4 = 8 - 1 यानी 7 हो जाएगा। एलसीएम के बाद 40 बराबर है 2u और प्लस में 7a, ये इक्वेशन नंबर 2 रही भाई, दूसरी बार जो बात कही गई उसके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने इसे। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे भाई, मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं तो सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड भाई, तो फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट कर दो, ये 24 माइनस होगा 40 में से तो 16 बचेगा, ये 2u माइनस होगा 2u में से, तो भाई आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यानी ऐसे कर सकते हैं आप कि भाई ये 40 बराबर है 2u प्लस में 7a और वो 24 बराबर था 2u प्लस में 3a, 2u प्लस में 3a और साइन चेंज कर दिया, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया भाई, 16 बराबर है 4a के, तो एक्सेलरेशन रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। किसी भी एक इक्वेशन में ले जाकर पुट कर दें, मान लो फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जाए यहां ले जाकर, तो 24 इज इक्वल टू बराबर है 2u प्लस में एक्सेलरेशन 3 × 4 = 12 हो जाएगा भाई, और 12 इधर आकर माइनस होगा तो 12 बचेगा बराबर 2u के, और भाई इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है 6 मीटर पर सेकंड भाई। अब आपको एक्सेलरेशन भी पता है, अब आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, अब आपको 10वीं सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये बताना है, तो 10वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, फिर से इक्वेशन लगा दूं भाई, और इस बार n की वैल्यू पता है, u और a पता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड बराबर है u प्लस a बाय 2 और ब्रैकेट में 2n - 1। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10वीं सेकंड में पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, एक्सेलरेशन 4 है, और 10वीं सेकंड का मतलब है भाई ये यहां पर 20 - 1 कितना होगा 19 19 2 = 38 38 प्लस 6 कितना हो जाएगा 44 मीटर भाई। अपने मोशन के दौरान 10वीं सेकंड में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, 44 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से न्यूटन की तीनों इक्वेशंस का यूज समझा जा सकता है। अब आती है फ्री फॉल की बात भाई, और जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स कर देते हैं भाई, जी के इक्वल रख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल रख देते हैं हम उस वैल्यू को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल रख देते हैं हम इस वैल्यू को, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रखने पर अगर अपवर्ड मोशन है, ऊपर ऑब्जेक्ट जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, तो स्पीड घट रही होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही होगी भाई। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि एक, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि एक टावर की हाइट से, एक टावर के ऊपर खड़े होकर हमने एक ऑब्जेक्ट को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो कर दिया है, ये ऊपर जाकर ग्राउंड पर पहुंचने में टाइम कितना लेती है, 6 सेकंड का टाइम लेती है टोटल। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये पूरा जो हाइट थी भाई टावर की वो कितनी थी भाई, तो आप ये देखिए ऊपर थ्रो करने के बाद भी ये फाइनली नीचे जब पहुंच गई तब की बात हो रही है। तो यानी यहां ए पॉइंट से अगर इसे थ्रो किया गया है टावर की हाइट से और ये ग्राउंड पर पहुंच गई है बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां ए से भाई ऊपर गई है, तो हमें डिस्टेंस थोड़ी देखना, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना, ऊपर जाने की बात नहीं करेंगे। तो ये जितना टावर की हाइट है उतना इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड आई है। फॉर डाउनवर्ड मोशन इक्वेशन लगाइए, फॉर डाउनवर्ड मोशन इक्वेशन लगाइए, तो डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करी जाए कि भाई नीचे आई है ना फाइनली, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुई है, हमने लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, इसे एक इक्वेशन में किया जा सकता है। टावर की जितनी हाइट है उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, मैं ये नीचे आई है लेकिन मैंने इनिशियली इसे ऊपर की तरफ फेंका था ना, तो इसकी स्पीड को मैंने -19.6 पुट कर दिया,
टाइम इसने 6 सेकंड लिया, फाइनली नीचे आइए तो एक्सेलरेशन प्लस का 9.8 रखूंगा और टाइम में 6 का स्क्वायर पुट करूंगा और ये सोल्व करने पर आपका आंसर 58.8 मीटर आता है कि ये टावर की क्या रही होगी, हाइट रही होगी इस तरह से। तो ये टावर की क्या रही, इस तरह से हाइट रही है, तो हाइट टावर की आपको इससे पता चलती है इस तरह से। तो गाइस अगले लेक्चर में असाइनमेंट सोल्व करेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन भी कुछ अलग से करेंगे, किसी किसी के स्कूल में आ रहे हैं, डिलीटेड पोर्शन के बाद भी आ रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। तो इस तरह से आपको याद आएंगे चैप्टर के टॉपिक्स और अब आप सोल्व करें अपने असाइनमेंट को। लाइव क्लास में मैं आपके उस असाइनमेंट के डाउट्स को क्लियर करूंगा, पूरा असाइनमेंट सोल्व कराऊंगा। थैंक्स गाइस।